हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू का पकोड़ा बनाने जा रही हूँ। आलू का पकोड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। पकोड़े तो हम घर पे बनाते ही रहते हैं, बारिश हो या कभी भी खाने का मन हो तो पकोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। पकोड़ा हम कई चीजों से बनाते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है। जैसे गोभी के पकौड़े, केले के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े या पनीर के पकौड़े। हम आलू का पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। आलू के पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है आलू, जिसे हमने छील के पतले पतले स्लाइस में काट के धो के पानी को सुखा लिया है। कॉर्नफ्लोर यूज करेंगे हम। बेसन, बेसन आप कोई भी ले सकते हैं। रवा, जीरा, कटी हुई धनिया पत्ती, लहसुन अदरक का पेस्ट, अजवाइन, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और फ्राई के लिए हम तेल। तो चलिए हम पकौड़े का बैटर बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर यूज किया है। इसमें हम आधा कटोरी रवा डालेंगे, इससे अपना पकौड़ा क्रिस्पी बनता है। और इसमें हम एक कटोरी बेसन डालेंगे। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमने 1 चम्मच लिया है। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे। और इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। पकोड़े के साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही सुंदर लगता है। और 1 चम्मच हम खड़ा जीरा डालेंगे। ये फ्राई होने के बाद बड़ा ही अच्छा लगता है। और 2 चम्मच धनिया पत्ता हम डालेंगे। धनिया पत्ता आप ज्यादा भी डाल सकती हैं। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। इतने बेटर के लिए पहले हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। बेटर अपना गाढ़ा है तो हम ये भी पानी डाल लेंगे। अभी भी अपना बेटर गाढ़ा है तो थोड़ा और पानी डाल लेंगे। अच्छे से घोल लेंगे और हम 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। हम बेटर को फिर से एक बार घोल लेंगे। अब देख रहे हैं अपना घोल एकदम परफेक्ट तैयार है। हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम आलू को बेसन के घोल में डुबाएंगे। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से घोल में चिपक चुका है। हम धीरे से तेल में डालेंगे। एक-एक करके जितने पकौड़े आएंगे उतने हम डालते जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो ज्यादा डालिए, नहीं तो हम चार चार करके तलेंगे। एक साइड से अपना पकौड़ा ब्राउन हो चुका है तो हम इसे धीरे से उलट देंगे। अब हम इसको गैस स्लो करके
और 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे, जिससे अपना आलू जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं अपना पकौड़ा एकदम कुड़कुड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट पर टिश्यू पेपर रखेंगे और एक-एक पकौड़े को आराम आराम से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, तेल एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा। तो हमने एक-एक करके सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब ऐसे ही हम दूसरा बैच डालेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा बैच डालेंगे। एक-एक पकौड़े को पेस्ट से डूब करके और फिर ऐसे डाल देंगे। एक-एक पकौड़े को डिप करके ऐसे डाल देंगे। आप डालते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि अपना तेल जो है बहुत ही गर्म है। पकौड़ा ब्राउन हो चुका है, इसे भी हम टर्न कर लेंगे और सेम प्रोसेस से इसे भी हम क्रिस्पी करेंगे। गैस को तेज करके और 1 मिनट के लिए इसे क्रिस्पी होने देंगे। आप देख रहे हैं अपना दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे ऐसे चमची से साइड में आधे मिनट के लिए रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाएगा। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में डालेंगे। तो ये अपना क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कितना कुड़कुड़ा हुआ है। पकौड़ा तो हम कभी भी बनाते हैं। अब आप इसे टोमेटो सॉस के साथ टेस्ट कीजिए। का गर्मा गर्म पकौड़ा बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।